नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर में पहुंचे हैं कॉन्क्लेव में। सीधे आपको लिए चलते हैं सागर, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, उद्योगपतियों से सीएम की वन टू वन चर्चा, सीधी तस्वीरें आपके साथ। तो सागर में पहला ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है। इससे पहले आपने देखा उज्जैन में आयोजित हुआ था, ग्वालियर की बात करें और चाहे जबलपुर की बात करें, और अब बुंदेलखंड यानी कि सागर में ये कॉन्क्लेव उद्योगपतियों के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर चर्चा करते हुए वन टू वन चर्चा करेंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ कॉन्क्लेव का। तो निवेश को लेकर अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में और सागर में ये कॉन्क्लेव। सीधी तस्वीरें आप देखिए, तो उद्योगपतियों से सीएम की वन टू वन चर्चा और सागर को लेकर, बुंदेलखंड को लेकर। आज महत्वपूर्ण दिन है, आज सौगातों का पिटारा खुलने वाला है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से अलग अलग राज्यों में पहुंचे, दौरे किए और इन्वेस्टर्स को न्योता दिया मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर, और ऐसे में उद्योगपति जो है एमपी आए हुए हैं, सागर पहुंचे हुए हैं, और अब उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करने वाले हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें, देवी सज्जनों आप सभी की जोरदार तालियां इन्हें और प्रोत्साहित करेंगी। वित्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सेवा हब को, सेवा हब इन्हें ट्रॉफी सर्टिफिकेट और 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए ये सागर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। आज मुख्यमंत्री सागर दौरे पर पहुंचे और बड़ी बात यह है कि देखिए मध्य प्रदेश में तमाम सरकारें आई, हर साल ही इस तरह का कॉन्क्लेव होता था, लेकिन बड़ी बात यह है कि मात्र इंदौर में ये कॉन्क्लेव का आयोजन होता था और समिट का समापन भी वहीं हो जाता। लेकिन इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री बने, उनका एक अलग प्लान देखा गया, एक अलग आइडिया उन्होंने रीजनल लेवल को लेकर जिस तरह से ये प्लान रखा और अलग राज्यों का दौरा किया, एमपी में निवेश को लेकर चर्चा की, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया, एमपी में निवेश को लेकर न्योता दिया, कहीं ना कहीं वो विजन अब आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसी के तहत देख पा रहे हैं कि एमपी में अब विकास की जो है तमाम संभावनाएं भी यहां पर बनी हुई है। ये देखिए आप विडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर मौजूद है, तमाम इन्वेस्टर्स भी उनके साथ आज यहां पर वन टू वन चर्चा करेंगे। और खास बात यह है कि सागर में यानी कि बुंदेलखंड में कैसे यहाँ पर उद्योगों को लगाना है ताकि बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, एमपी में निवेश को लेकर आज सीएम चर्चा करेंगे। और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड के लिए, सागर के लिए, कि आखिरकार सागर में क्या कुछ आज होने वाला है। जो फाइनलिस्ट थे उनका ये कॉम्पिटिशन हुआ और 600 से ज़्यादा जैसे मैंने पहले कहा एंट्रीज आई थी, उसमें से 60 लोग फाइनल में आकर कल उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस दी, अपने इनोवेशंस को हमारे साथ साझा किया। और इस कंपटीशन में विजेता उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है और अब सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी उन्हें 1,00,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। मिस नीले शर्मा जय अनक गायत्री प्राइवेट लिमिटेड, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ साथ हमारी महिला उद्यमी उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उनकी तरफ से जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन रखा गया, मिस नीलेश शर्मा जय अनक गायत्री प्राइवेट लिमिटेड की। और अब सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर, सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर इन्हें 51,000 पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। बीयूसी ऑडियो, यहाँ से राजीव यादव बीयूसी ऑडियो के, देवी सज्जनों एक बार सभी के लिए, सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी तरह से
ये इग्नाइटेड माइंड्स इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते आए और हमारे देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। और मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि आशय पत्र वह फिर से सिद्धगुवा तहसील व ज़िला सागर की जो 13,552 हेक्टेयर भूमि पर फर्नीचर क्लस्टर बनाया जा रहा है उसकी तरफ यहाँ पर 10 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। मंच पर आमंत्रित हैं श्री दिनेश भाई पटेल जी, एसपीबी के संचालक। श्री दिनेश भाई पटेल जी, एसपीबी के संचालक, यह आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से लेते हुए। इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। देवी सज्जनों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका, जो अभी तक हिंदी में प्रकाशित होती आई है, पर अब इसकी आउटरीच को और बढ़ाते हुए अंग्रेजी में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रथम अंग्रेजी संस्करण का वह विमोचन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदाम खाड़े जी को, उनसे निवेदन है इस पत्रिका के विमोचन में हमारे साथ मंच पर आएं। देवी सज्जनों, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली ये पत्रिका अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगी। इसके प्रथम संस्करण में मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के मध्य प्रदेश के दौरे की महत्वपूर्ण झलकियाँ, साथ साथ स्वच्छता के प्रति उनके विचारों से पाठक अवगत होंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश में बने देश के पहले जनमन आवास की सफलता की कहानी भी पाठकों को आकर्षित करेगी। साथ ही रतनाम के सीएम राई स्कूल से मिले पुरस्कार के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। इस अंक में साइगर तहसील से सुशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। और अब हमारे मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख नेतागण के विचारों को और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी को, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सागर इंडस्ट्रियल समिट में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के दूरदृष्टा युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपके ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, सागर क्षेत्र से हमारे मंत्री साथी गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री दिलीप जी, क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, श्री शैलेंद्र जी, हमारी सांसद लता वानखेड़े जी एवं मंचासीन अन्य सभी